टेस्टिंग की बात पे एक बार और बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने कहा कि भारत टेस्टिंग ज्यादा नहीं कर रहा है और ये है कम है, अभी भी 16-17 हजार हम लोगों ने टेस्ट कर रखे हैं अभी तक, और हमारे पास क्षमता है हर हफ्ते में 10,000 टेस्ट करने की, जिसमें मतलब है करीब 50-70 हजार टेस्ट हम हफ्ते में कर सकते हैं। तो आंकड़े मैं बताता हूं, फ्रांस ने एक हफ्ते में 36,000 टेस्ट किए, फ्रांस ने एक हफ्ते में 10,000 टेस्ट किए, टेस्ट पर वीक, फ्रांस 10,000, यूके 16,000, यूएसए 26,000, जर्मनी 42,000, इटली 52,000 और साउथ कोरिया में 80,000 टेस्ट हर हफ्ते किए गए हैं। भारत में इस समय, जैसे कि हम लोग के पास पहले एक एनआईवी की लैब थी, अब हम लोग ने 111 लैब कर दी हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट लैब के लिए भी सबके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कर दिया है कि वो लोग करते हैं। उनके पास हजारों में कलेक्शन सेंटर्स हैं और कई लैब, 60 करीब प्राइवेट लैब आई हैं हमारे पास रजिस्टर करते हैं, धीरे धीरे रजिस्टर कर रही हैं, 3 तो अभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी अप्रूव हो गई हैंगी, मैं नाम बता दूंगा, अभी आप लोग पूछेंगे बता सकता हूँ कहाँ कहाँ के हैं ये सब। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पर वीक, जैसे आप यूएसए का देखें तो उन्होंने 26,000 टेस्ट पर वीक किए हैं, हमारे पास इस समय गवर्नमेंट सिस्टम में भी 60-70 हजार पर वीक करने की क्षमता है, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और प्राइवेट से और बढ़ सकती है। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग नहीं करनी है, इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग हैज नॉट टू बी डन। कोई भी बाहर से आए, आइसोलेशन, मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं, इसीलिए आइसोलेशन।